मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के मेरे वीडियो सबसे पहले देखें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी रसोई। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चावल और दाल का अप्पे, जो कि बनाना बहुत ही आसान होता है और इसे बच्चे हों या फिर बड़े या बूढ़े, कोई भी बहुत ही आसानी से इसे खाना पसंद करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ मैंने देखिए एक कप चावल और आधा कप उड़द की दाल लिया है और इसे मैंने रात में भिगो के और सुबह में मैंने इसे पीस लिया है। सिर्फ मैंने अभी इसे जस्ट पीस लिया है और इसे मैंने फॉर्मेट करने के लिए बिल्कुल नहीं रखा है, मैं इंस्टेंट इसे बना रही हूँ। तो आइए देख लेते हैं और हमें इसमें क्या ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून के बराबर नमक और 1/2 टेबल स्पून के बराबर ही क्यूमिन पाउडर और 1/2 टेबल स्पून के बराबर ही ब्लैक पेपर पाउडर। यहाँ पे मैं इतना ही ऐड कर रही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे रेड चिली पाउडर या फिर चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद है तो। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 पैकेट इनो। इनो जो है हमारी जो बैटर है इसको इंस्टेंट फॉर्मेट कर देता है और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप जैसे ही इसे इसमें डाल के मिक्स करेंगे, हमारा जो बैटर है अपनी साइज से डबल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा फ्लफी हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपनी मनपसंद की वेजेस। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 अनियन, 1/2 कैप्सिकम और थोड़ी सी बीन्स, 1/2 टोमेटो। इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है और अब मैं यहाँ पे इसे ऐड कर दे रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हो। आप अपने तीखा और अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पे वेजेस बढ़ा और घटा सकते हैं या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल है वो ऐड कर लें। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दें और इसे हमें बिल्कुल भी 10 मिनट 5 मिनट आधे घंटे के लिए नहीं रखना है, तुरंत डालें और तुरंत बनाएं। तो फिर देखिए यहाँ पे मिक्स कर दिया है मैंने और मैं यहाँ पे एक अप्पे पैन ले रही हूँ। इस टाइप का अप्पे पैन मार्केट में और ऑनलाइन बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है। आप चाहो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं अप्पे पैन में सिर्फ 2-2 बूंद के बराबर ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो रिफाइंड ऑयल ऐड करने के बाद जैसे ही अप्पे पैन ग्रीस हो जाए और हल्का सा हीट हो जाए, ये बहुत जल्दी हीट होता है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो बैटर है इसमें 1-1 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि ये अभी अपनी साइज से और ज़्यादा फूलता है, तो इसमें थोड़ा सा हमें स्पेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारे बैटर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे अप्पे में। तो देखिए बैटर ऐड करने के बाद यहाँ पे हमें इसे करीबन 2 मिनट तक लिड लगा के पका लेना है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, लिड लगा के यहाँ पे 2 मिनट तक पका लेते हैं। देखिए 2 मिनट बाद जैसे ही हम लिड हटाएंगे, देखेंगे कि हमारा अप्पे जो है हल्का हल्का सा पकना शुरू हो गया है। तो इसे पलटने से पहले हम क्या करेंगे, सारे अप्पे के ऊपर 2-2 ड्रॉप के बराबर रिफाइंड ऑयल और ऐड कर देंगे। उसके बाद इसे हमें पलट लेना है, या तो चाहे आप ऑयल की ब्रश है तो आप ग्रीस भी कर सकते हैं अप्पे को। तो यहाँ पे ऑयल ऐड करने के बाद धीरे धीरे सावधानी से किसी भी चीज़ चम्मच की सहायता से, इस तरीके की स्पून की सहायता से आप इसे टर्न कर दें और सारे अप्पे को पलट के फिर से दूसरे साइड से भी पका लें। इससे पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 2 मिनट एक साइड और 3 मिनट एक साइड, करीबन 5 मिनट हमें इसे लगता है पकाने में। 5 मिनट पे हमारा अप्पे बन के बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो देखिए मैंने सारे अप्पे पलट के फिर से इसे एक बार ढक दिया है। तो 3 मिनट बाद जैसे ही हम इसका लिड हटाएंगे, देखेंगे कि हमारा अप्पे बहुत ही अच्छा और बहुत ही गोल्डन कलर का बन के तैयार हो गया है। तो है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी। आप अप्पे चाहो तो सूजी का भी बना सकते हो, बट उसको फॉर्मेट करने के लिए आधे घंटे रखना पड़ता है। तो देखिए अप्पे बनके हमारा बिल्कुल तैयार है, कम ऑयल और कम मसालों में बनके बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।